नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक साउथ इंडियन एग करी बना के दिखाने वाली हूँ। इसका नाम है स्टीम्ड स्क्रम्बल्ड एग इन कोकोनट ग्रेवी। तो देखें, आप देखिए, बनाइए अपने घर में और कैसा हुआ ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता दूं। पहले ये मसाला, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, फिर कोकोनट मिल्क, साउथ इंडियन करी पाउडर, ये है करी पत्ता, ये है राई और सूखी मिर्ची, और थोड़ा फ्लेवर डालने के लिए मैंने कोकोनट चटनी का भी थोड़ा यूज़ करूँगी, और सूखे मसाले में ये नमक, ये हल्दी और मिर्ची, और थोड़ा मैं अपना थोड़ा चीनी डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ना डालें। अब शुरू करें बनाना। पहले कढ़ाई में तेल डालें, तेल अब पहले अच्छी तरह से गर्म हो जाए, फिर उसके बाद राई डालें, देखिए अभी राई फूट रहा है। हाँ, मैं बीच में बोलना भूल गई थी, ये है स्टीम्ड स्क्रम्बल्ड एग। आप अंडा को फेंट दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, और जैसे इडली बनाते हैं ना वैसे ही एक ट्रे में थोड़ा तेल लगा के अंडा डाल के स्टीम कर लें, बॉयलर में स्टीम कर लें, और ऐसे स्क्रम्बल्ड एग वो बन जाएगा। तो 10 मिनट बाद उतार लें और उसको स्क्रम्बल कर लें। इसके बाद कड़ी पत्ता डालें, कड़ी पत्ता जब खुशबू आए कड़ी पत्ता का, उसके बाद फिर ये टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक की पेस्ट जो हमने बना के रखी थी उसको डाल दें। दो मिनट इसको चला लें, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्ची, तो थोड़ा फ्राई कर लें। ये थोड़ा फ्राई हो गया,
अभी हम इसमें ये नारियल की चटनी जो है वो डाल देंगे। और इस साउथ इंडियन करी पाउडर, दो से ढाई चम्मच ही डालें। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करें जब तक तेल बाहर नहीं आता है। थोड़ा हिलाने के बाद थोड़ी सी चीनी, आप इतना सा थोड़ा सा चीनी दें, एक बार देखे देखें, टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप अगर चाहें तो एक्स्ट्रा टमाटो ग्रेवी भी आप डाल सकते हो। अगर आप खाना चाहें तो आप डाल के देखें, मगर जो मसाले में जो टमाटर जो हमने दिया है वो काफ़ी हो जाएगा, ज़्यादा पड़ने से फिर खटास बहुत बढ़ जाएगी उसकी, तो फिर खा नहीं पाएंगे आप। देखिए अभी इसको ये अच्छी तरह से थोड़ा फ्राई होगा। अब इसको फ्राई होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये जब फ्राई हो जाए उसके बाद कोकोनट मिल्क ऐड करेंगे और स्क्रम्बल्ड एग ऐड करेंगे। इसको कंटिन्यूअस हिलाना पड़ेगा, अगर आप नहीं हिलाएंगे ना तो नीचे लग जाएगा और जल जाएगा, तो इसका पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। इसमें नारियल है ना, आपको हिलाना पड़ेगा, नारियल बहुत जल्दी नीचे कढ़ाई में लग जाता है। इसमें अगर आप चाहो तो पनीर को फ्राई करके पनीर भी दे सकते हो, अगर चाहो तो छोटे छोटे चिकन पीसेस करके भी आप इसमें कर दे सकते हो। अगर छोटा फिश हो उसको थोड़ा सा हल्दी और नमक में फ्राई करके उसमें आप डालिए और चावल के साथ खाइए, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे सी फिश पाम्पलेट है, प्रॉन है, ज़्यादातर पाम्पलेट प्रॉन इसमें ज़्यादा जाएगा। आप वो भी डाल के खा के देखिए, वो भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए ये मसाले में से तेल आग ऊपर आ गया है और मसाला कढ़ाई से छूट रहा है। इसके बाद आप समझिए कि आपका मसाला अच्छी तरह से भून गया है। कढ़ाई को स्लो कर दीजिए और जो हमने मसाला पीसा था वही पानी इसमें डाल दें। और अभी कोकोनट मिल्क इसी स्टेज में, कोकोनट मिल्क और ज़्यादा पानी मत डालिए, कोकोनट मिल्क डालने से वो तो थोड़ा रस्सा वाला तो बनेगा ही। अभी देखिए मैंने कोकोनट मिल्क मिला दिया,
बस अभी थोड़ा लो टू मीडियम हाई हाई में गैस रखिए इसको, ये अच्छी तरह अभी उसको मैं उबाल आने दें। जब उबाल आएगा तभी इसमें हम एग डालेंगे। अगर इसी स्टेज में चाहें तो थोड़ा आप अगर ज़्यादा रसा खाना चाहें तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भी आप डाल सकते हो। अगर मेरी माने तो ऐसे ही रहने दें, नहीं तो पूरा तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। अब देखिए इसमें उबाल आ गई है। अभी इसी स्टेज में मैंने जो स्क्रम्बल्ड एग बना के रखी थी वो मैं डाल रही हूँ, और इसमें ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस ऐसा करके आप बंद कर दें, बंद करके थोड़ा रेस्टिंग टाइम दे दीजिए। अभी ये ऐसे उसको ढक के थोड़ा देर रख दें, तो जब मसाला अंडा के साथ मिक्स हो जाएगा तो खाने में और भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप सर्व करें, अगर आपको धनिया पत्ते से सर्व करना है वो भी कर सकते हैं, ये तो ऐसे भी खा सकते हैं। अब देखिए इसको ना इसी तरह थोड़ा देर ढक के आप उसको रख दें, कवर करके रख दें। रखने के बाद 10-15 मिनट या आधा घंटे के बाद जब आप खाने बैठे तभी आप उसको निकाल के, अच्छा लगा कि पराठा, लाछा पराठा, खस्ता पराठा, पुलाव के साथ आप खाइए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं अंडे का स्पेशल रेसिपी साउथ इंडियन स्टाइल में। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको ये ज़रूर से पसंद आएगा। ज़रूर से लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आपको कुछ भी क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। और मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको रेड बटन प्रेस करना, बेल बटन प्रेस करनी नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन फ्रेंड्स, हैव फन, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग, स्टे ट्यून, थैंक यू।